पर जिसने लिया ना उसने भी कोई रिसेंटली 2 से 3 महीने पहले बनवाई है गाड़ी। कस्टमर मुझे कहते थे कि आप दरवाजा ना आराम से उसको बंद करना, ये एलपी से लगा हुआ गिर जाएगा। क्या मसला प्रॉब्लम आ रही है यार नीचे तो? भैया वो कस्टमर ले गए थे गाड़ी की, गाड़ी चेक करे जी भाई, मैंने कहीं से तैयार करवाई है जी भाई, इंटीरियर में पहले देखा है, इतना बुरा काम हुआ हुआ था। रात जिसने गाड़ी खरीदी है उसने तो ऑटो सैन को देखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, ऑटो चैनल वन से फैजान अली आपके खेतों में हाजिर है। जैसे आप लोग जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह यार डे बाय डे आपको गाड़ियाँ दिखाते हैं, मैं क्यों ना एक आज स्टोरी आपसे डिस्कस की जाए जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी मैं समझता था, और बड़े सालों से मैं इस बात को अपने अंदर से अंदर दबाता रहा। मैं क्यों ना आज बात होनी चाहिए इस बात पर। बात वो ये है कि हमारे कॉम्पिटिटर जो समझते हैं हम उनको अपना कॉम्पिटिटर नहीं समझते। कल उनकी को गाड़ी आई थी, साहब भाई ने देखी है वो गाड़ी, और इंशाल्लाह वो दोबारा गाड़ी भी आएगी, उनकी ख़राब हुई गाड़ी हम ठीक भी करेंगे। कल इसी के ऊपर बात करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम थी उस गाड़ी में और क्या क्या मसाइल थे, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको वो गाड़ी भी दिखाएंगे जो, और बंदे का रिव्यू भी दिलवाएंगे कि वो किसी इदारे की ख़राब गाड़ी ऑटो चैनलवान ठीक करेगा। साहब भाई क्या हाल चाल है, ठीक है आप? ठीक ठाक भाई जनाब, तबीयत से ठीक है सर? क्या मसला प्रॉब्लम आ रही है यार नीचे तो? भैया वो कस्टमर ले गए थे गाड़ी की, गाड़ी चेक करे जी भाई, मैंने कहीं से तैयार करवाई है जी भाई, तो उसमें बहुत सारे इशू थे। उन्होंने मुझे चेक कराया कि आप देखेंगे कैसे हल होंगे, ठीक है? मैंने गाड़ी देखी, इंटीरियर की तो बात बात करते हैं ना, इंटीरियर में पहले देखा है, इतना बुरा काम हुआ हुआ था, रफ काम, एसी की जाली है वो निकली हुई थी, इंटीरियर किट है वो प्रॉपर जगह पे नहीं थी। सही है। और सबसे मेन चीज़ उसके अंदर जो गाड़ी को चीज़ लगाते हैं ना वो किसी मीटर उन्होंने लगाया हुआ था, जैसे डीजल मॉडल का ना, डीजल मॉडल आप देखे होंगे जो सरकारी गाड़ियाँ आती हैं बहुत हल्के मीटर होते हैं, और उसमें ऑप्शन ही कोई नहीं होता, वाइट मीटर होता है वो सादा, ठीक है, सादा मीटर होता है। जो इतनी मेंशन करते हैं, हम कौन सा मीटर लगाते हैं? हम लगाते हैं भाई 14-15 वाला जो आता है उसके ऊपर लेटेस्ट आता है, डिजिटल मीटर लगाते हैं, स्मोक कलर का, स्मोक कलर का मीटर होता है। जब आपकी गाड़ी स्विच ऑफ होगी तो मीटर ब्लैक होएगा, ठीक है? जब आप गाड़ी उसको ऑन करते हैं मीटर ऑन होता है, तो वो सारा उसका इंटीरियर डिस्प्ले उसका बहुत खूबसूरत लगता है। साहब भाई का ये कहना है कि जैसे ही वो गाड़ी का मीटर ऑफ होता है वो ब्लैक लुक में आ जाता है, जैसे ही ऑन करते हैं उसका डिस्प्ले लाइट ऑन होती है, और इतना खूबसूरत लगता है कि आपकी तबीयत खुश हो जाती है उसी के साथ। इसी तरह ऐसे ही भाई, और दूसरे उसके एसी की आवाज़ अंदर आ रही थी, कुछ हाइट कंट्रोल उन्होंने ऑपरेट नहीं किए हुए थे वो फंक्शंस। अच्छा। और गाड़ी इतनी रफ बनाई हुई थी कि अंदर वाली साइड से दरवाज़ा खोलते हैं ना तो दरवाजे में लाइट होती है, हम अपने वो वीडियो हम करते हैं, हम जो उसके डोर में लाइट आती है ना, डोर लाइट ओरिजिनल लाइट लगती है, उन्होंने वहाँ भी कोई लाइट ही नहीं थी, वो प्लास्टिक के पीस। कस्टमर मुझे कहते थे कि आप दरवाज़ा ना आराम से उसको बंद करना, ये एलपी से लगा हुआ गिर जाएगा। तो मैंने 2-3 दफ़े ऐसे हुआ, फिर मुझे उन्होंने बोला कि यार इसको आराम से बंद करें, ये टूट जाएगा। मैंने देखा था फिर वो वहाँ पे ये मसला था। उन्होंने कस्टमर ने गाड़ी खुद बनवाई थी उस दादा से? उन्होंने नहीं बनवाई थी, उन्होंने बेसिक किसी से ली है, पर जिसने ली है ना उसने भी कोई रिसेंटली 2 से 3 महीने पहले बनवाई है गाड़ी। उसने उनको बोला था कि आप वहाँ पे जाके बिल्स वगैरह थे कि पता नहीं थे, कि तुम वहाँ जाके क्लेम ले लें, मेरा नाम लेके मैं उन्हें कॉल भी कर देता। सही। तो वो कस्टमर पहले मेरे पास आए थे कि आप चेक कर लें, क्योंकि जिसने गाड़ी खरीदी है उसने तो ऑटो सैनमान को देखा हुआ है। सही है। उसने ऑटो सैनमान की गाड़ियाँ भी देखी हुई हैं, उसके आगे जो फ्रेंड्स हैं ना उन्होंने ऑटो सैनमान से काम करवाया। देखिए साहब भाई, जो भी इदारा है हमें उसका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी अपना चाहे हमें कॉम्पिटिटर समझता, हम किसी को भी अपने कॉम्पिटिटर नहीं समझते अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने काम में परफॉर्म करके दिखाएंगे और आवाम मानेगी कि अल्हम्दुलिल्लाह नंबर वन काम करने वाला कौन अदारा है, ये लोगों के कमेंट्स बताएंगे हमें। बिल्कुल ऐसे। और दूसरी बात जो आ गई गाड़ी ख़राब की, वो गाड़ी अभी वापस आएगी, वो इंशाल्लाह वापस आएगी, वो लेके मैंने कंप्लेन करवानी है, पर मे भी वो दो सूरतों से गया मेरी नवीज भाई से भी बात हो रही थी। एक तो वन सूरत ये थी हमारे पास टाइम नहीं था, टाइम हमने अपनी जो गाड़ियाँ दी हमने पहले उनको ही फोकस करना था। दूसरा मसला ये था उस गाड़ी के ऊपर कि भजन वो गया था एक बार मैं उसके पास जाऊँगा कंप्लेन करवाऊँगा, अगर मेरी कंप्लेन होगी तो मैं उधर से ही काम करवाऊँगा, उनकी सोचे मेरे पैसे बच जाए, ऐसे बच जाए। और तीसरा वो अगर आएंगे भजन तो फिर उनकी वीडियो भी करेंगे उनसे, और उनकी गाड़ी ठीक भी करेंगे और पूरी आवाम को दिखाएँगे भी। और सबसे बड़ी जो उस गाड़ी में जो कमी मैंने सुनी है ना, तो उसके अंदर भाई जान जो स्क्रीन को हवा देती है ना डैशबोर्ड के अंदर से, वो होल ही बंद कर आगे ना फ्रंट डैशबोर्ड के ऊपर जाली होती है, वो जो उसकी जो फोक आती है ना स्क्रीन पे, उसको हीटर उसको वो एयर देती है हीट वाली जी भाई, वो सर्दी में वो देती है और गर्मी में जरूरत नहीं होती। बट उन्होंने पता नहीं, मैं भी गर्मी में गाड़ी तैयार की है, उन्होंने उस चीज़ को मैनेज नहीं किया या वो करते ही ऐसे उसका आइडिया नहीं है, तो उन्होंने वो चीज़ ही ख़त्म कर दी है। कस्टमर ने फिर मैंने उनको अपनी एक तैयार गाड़ी दिखाई है, मेरे पास एक बाई चांस एक गाड़ी मेरी एक जा रही थी फाइनल हो रही थी, वो मैंने उनको दिखाई है, तो वो बड़ा खुश हुए।
उन्होंने उस चीज़ का मेरे से उन्होंने क्वेश्चन किया है कि ये क्या है, ये आपने कैसे किया है। मैंने उनको बताया कि हमारा जो डैशबोर्ड है ना प्रॉपर तरीके से, देखिए ऑल्ट्रेशन है, ऑल्ट्रेशन में भी प्रॉपर तरीके से करेंगे तो काम ठीक होएगा। हम एक चीज़ को उधर गाटे ही ला लाएंगे तो फिर उधर काम तो सर खराब हो जाएगा। नहीं जी, अगर आप भी चाहते हैं क्वालिटी वाला काम कि आपको परेशानी ना आए किसी किस्म की भी, फिर आपको आना पड़ेगा ऑटो चैनल वन पे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मेरे सैफ भाई को इजाज़त दें, मेरे टीम कैमरा मैन तैमूर भाई को इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।